हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.25। तो 3.25 में देखो तो क्या हो रहा है कि एक बेल है, वो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में एक मोशन कर रहा है। ठीक है, अब उसको डायरेक्शन दी नहीं है, हम कर्सर रख रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब वो उसकी वेलोसिटी हमको दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो एक बेल है, ये बेल के ऊपर क्या है, हर्डल और मोटर 50 मीटर के डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये 50 मीटर के डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं और उनका जो बच्चा है वो क्या है, आपके जैसा है, बैठ नहीं सकता ठीक से। तो क्या होगा कि वो इधर से इधर, इधर से इधर भागता रहता है। अब उसकी जो भागने की स्पीड है वो हमको क्या दी हुई है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब उसके ये जो बेल्ट है, ये एक सिस्टम है, इसके बाहर एक ऑब्जर्वर है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमको कुछ चीजें फाइंड करनी है। अब देखो ना कि मतलब आपने देखा होगा मूवी में एयरपोर्ट पर या ऐसे क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों का सामान आता है, तो एक बेल्ट होता है, उसके ऊपर सब पड़े रहता है, बेल्ट घूमता रहता है, ठीक है, आगे चलता रहता है, तो सामान भी उसके साथ आगे जाता रहता है। तो वैसा ही कुछ बेल्ट होगा जिसके ऊपर फादर मदर बैठे और बच्चा उनका उसके ऊपर दौड़ रहा है। अब बहुत ही घटिया एग्जाम्पल था ना, होता है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में कुछ हमको ये इंफॉर्मेशन देनी है। पहली है कि व्हेन बॉय मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल, मोशन इस डायरेक्शन में बेल का हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर बच्चा दौड़ रहा है, तो हमको क्या करना होगा कि बच्चे की जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो फाइंड करनी है। अब देखो, हमने आगे जो एग्जाम्पल किया था पुलिस वाला, पुलिस जो है वो ठीक का पीछा करती है, फिर वो गोली चलाती है, तो कितनी स्पीड से गोली चोर की कार को लगती है वाला, तो उसमें क्या था कि एक डायरेक्शन में चोर भाग रहा है, उसी डायरेक्शन में पुलिस तो भागेगी, ठीक है। अब पुलिस उसी डायरेक्शन में बुलेट भी छोड़ेगी, तो बुलेट छोड़ेगी तो क्या होगा कि बुलेट बंदूक में से निकलेगी, तब उसकी जो स्पीड होगी वो तो होगी, बट साथ साथ क्या होगा कि पुलिस भी अपनी कार में भाग रही है, तो कार की स्पीड जो होगी वो बुलेट में क्या हो जाती थी, इंक्लूड हो जाती थी, ऐड हो जाती थी ना। तो वही चीज यहाँ पर होगी कि बेल इस तरफ जा रहा है और बच्चा भी उसी तरफ दौड़ रहा है, तो बच्चे की जो ओवरऑल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी कि बेल की स्पीड प्लस बच्चे की। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि जब बच्चा बेल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड प्लस बेल की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो टोटल हमको 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी व्हेन बॉयज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बेल। अब दूसरे में क्या बोला गया है, व्हेन बॉयज मूव ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बेल, मतलब अब देखो तो बेल का मोशन तो यही रहेगा, बच्चा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि बेल की मोशन ये है और बच्चे की मोशन ये है, तो दोनों ऑपोजिट हो गए। तो इसलिए हमने क्या किया कि VC प्लस VB होगा, पर VC जो है मतलब बच्चे की स्पीड वो क्या है इस तरफ है, तो हम उसको माइनस ले रहे हैं, तो ये -9 + 4, तो आंसर -5 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब ठीक है ना, इधर बेल जा रहा है, आप उधर दौड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट आप उधर जाना चाहते हो, ठीक है, बट जो बेल्ट है वो इधर जा रहा है, तो क्या होगा कि आपकी स्पीड कम हो जाती है, वही चीज है। अब इसका एक एग्जांपल और देखो कि एस्केलरेटर होता है, ऊपर चढ़ने वाला और एस्केलरेटर होता है, उसके ऊपर आप और ऊपर चढ़ते जाओ तो क्या होगा, आप तुरंत पहुंच जाओगे, बट कोई नीचे उतरने वाला एस्केलरेटर होता है और आप उसके ऊपर उसे मार के चले जाओ, ऊपर चढ़ना तो क्या होगा, नहीं चढ़ पाओगे ना, नीचे ही आते जाओगे, नीचे ही आते जाओगे, तो मतलब कि आपकी स्पीड कम होती जाएगी। वही चीज है यहाँ पर कि बच्चा इधर जाना चाहता है बट बेल उसको इधर ले जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तीसरी चीज है टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन 1 और 2 केस। अब यहाँ पर बच्चे को कितना टाइम लगता है, मतलब फादर से मदर की ओर जाने में या मदर से फादर की ओर जाने में, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, तो होगा क्या कि 50 मीटर है उसको पहले तो हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या होगा कि डिवाइड बाय 1000 तो 0.05 किलोमीटर आया। अब देखो टाइम के लिए क्या होगा कि डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 0.05 डिवाइड बाय 9 आवर। अब देखो
कि ये आवर्स में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, 3600 हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हमको 20 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो फादर और मदर है दोनों कैसे है, स्टेडी है, बच्चा मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि अगर बच्चा इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आ जाए, फादर और मदर की रिस्पेक्ट में क्या होगा कि बच्चे की स्पीड तो सेम ही रहने वाली है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट मतलब स्टेडी है। नहीं समझे? देखो वी सी एम मतलब बच्चे की फादर की विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड क्या होगी, वी सी माइनस वी एम। तो वी सी क्या है, 9, फादर की स्पीड 0, तो ये 9 आ गया। वैसे ही आप देखो तो वी सी एम बच्चे की विथ रिस्पेक्ट टू मदर क्या होगी स्पीड, तो वो हो जाएगी वी सी माइनस वी एम। तो अब देखो 9 माइनस मदर की स्पीड 0, दोनों में आंसर 9 आ रहा है। तो होता क्या है कि ये दोनों स्टेडी फॉर्म में हैं और ये बच्चा इन दोनों की रिस्पेक्ट में अगर दौड़ेगा तो क्या होगा कि फादर की रिस्पेक्ट में बच्चे की स्पीड या मदर की रिस्पेक्ट में बच्चे की स्पीड 9 ही रहने वाली है। तो दोनों केस में क्या होगा कि बच्चे को फादर से मदर या मदर से फादर जाने में 20 सेकंड का ही टाइम लगेगा। अब यहाँ पर डाउट क्या होगा कि ये स्पीड क्या है, तो ये जो स्पीड थी वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर थी और ये जो स्पीड आ रही है वो विथ रिस्पेक्ट टू फादर और मदर है, तो फादर और मदर बेल्ट पे है तो क्या हो जाएगा कि वो बच्चे के लिए स्टेडी फॉर्म में हो जाएंगे, जबकि ऑब्जर्वर बाहर है बेल्ट पर नहीं है तो उसके लिए फादर और मदर भी स्टेडी फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो भी मोशन में रहेंगे। इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बच्चा जब इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए स्पीड चेंज होती है, बट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फादर और मदर ओनली बात करें तो क्या होगा कि दोनों स्टेडी फॉर्म में हैं तो बच्चा इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही पेज पे है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर ये दोनों स्टेडी फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। 3.26 एक्सरसाइज है, उसमें क्या बोला गया है कि एक 20 मीटर अरे 200 मीटर की इनिशियल हाइट पर से दो पत्थर को ऊपर फेंका जाता है, एक को 15 मीटर की वेलोसिटी से, दूसरे को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और फिर हमको उसके बीच का मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा उसका मीन्स टाइम का इधर ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है और दोनों के लिए हमको जो इक्वेशन है वो ऑब्टेन करने हैं, उनकी मोशन के इक्वेशन है वो ऑब्टेन करने हैं। अब देखो तो यहाँ पर हमको इस तरीके से कुछ ग्राफ दिया हुआ है, देखो इनिशियल डिस्टेंस जो है वो 200 दिया हुआ है, ठीक है ये मीटर आ गया है। इनिशियल वेलोसिटी पहले पत्थर के लिए 15 मीटर पर सेकंड, दूसरे के लिए 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम पहले पत्थर की बात करें तो उसके लिए क्या होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मौसम है वो कैसी है कि जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है दोनों पत्थर को, तो जब भी कोई चीज का अपवर्ड डायरेक्शन में फेंको तो उसके ऊपर क्या होगा कि ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर -10 d हुई है, -10 मतलब 10 वैल्यू दी है बट माइनस आएगी बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है कि माइनस ही आता है। अब यहाँ पर देखो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको लगा सकते हैं पता चला, क्योंकि ये जो मोशन है वो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इसके अब देखो x इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस 1/2 a स्क्वायर, ये इक्वेशन लग गया है। x0 क्यों लिखा, बिकॉज़ इनिशियल डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। अब x की जगह हम पहले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x1 लिखते हैं, x1 इक्वल टू 200 प्लस 15 t प्लस 1/2 a की जगह -10 t स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा x1 इक्वल टू 200 प्लस 15 t माइनस 5 t स्क्वायर। अब देखो व्हेन फर्स्ट स्टोन रीच टू द अर्थ, जब कोई चीज को आप ऊपर फेंको बट वो जब वापस जमीन पर आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा भाई। तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 200 प्लस 15 t माइनस 5 t स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो तो हर जगह से 5 निकलेगा, तो t स्क्वायर माइनस 3 t माइनस 4 t इक्वल टू 0।
अब 40 का ऐसा आप यहाँ पर फैक्टर निकालो 40 का कि जिसका डिफरेंस टी हो, तो वो हो जाएगा 8 × 5, सो टी माइनस 8 टी प्लस 5 इक्वल टू 0, सो टी की वैल्यू क्या आएगी 8 सेकंड या -5 सेकंड। अब टाइम जो है वो तो नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब तो क्या होगा कि भाई जो टाइम है उससे पहले ही कोई चीज हो चुकी है, उसके बाद 5 सेकंड का टाइम हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या कि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो टी इक्वल टू 8 सेकंड आ रहा है। अब ये 8 सेकंड का टाइम किसके लिए आ रहा है देखो, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट रीच टू द अर्थ, मतलब कोई चीज को आपने ऊपर फेंका है, अब वो नीचे भी आ गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो उसके लिए टाइम कितना लगा 8 सेकंड। मतलब कि पहले बटर को आपने ऊपर फेंका था और वो नीचे आ गया, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, तो 8 सेकंड में वो नीचे आ गया है पहला बटर। अब सिमिलरली हम दूसरे पत्थर के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि x इक्वल टू x0 + b0 t + 1 / 8 स्क्वायर, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x0 200 b0 के इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 है, तो वो 30 t + 1 / 2 a - 10 t² x2, उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या होगा 200 + 30 t - 5 t². अब उसमें भी क्या होगा कि दूसरे पत्थर को भी ऊपर फेंका है तो वो भी नीचे तो आएगा ही, तो वो नीचे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा, तो x2 0 हो जाएगा। तो x2 0 हो जाएगा मतलब क्या होगा कि 0 = 200 + 30 t - 5 t², ये इक्वेशन में x2 0 लगा दिया। अब 5 हमने वापस से कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ t² - 60 - 40 = 0। तो देखो t - 10 t + 4 = 0, तो होगा क्या t = 10 या t = -4 आ सकता है, तो ऑब्वियसली अगेन यहाँ पर -4 नहीं आएगा, तो t = 10 सेकंड आ गया। अब ये t = 10 सेकंड किसके लिए आया है, तो ये t = 10 सेकंड सेकंड जो पटर फेंका था ऊपर उसके लिए आया है, सेकंड पटर को मैं ऊपर फेंका था तो उसको नीचे आने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगा। अब देखो जो 2 है उसमें से हमने पहले इक्वेशन को माइनस किया है, तो x2 - x1 = हमको 15 t मिलता है, तो ये लीनियर ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो है लीनियर ग्राफ उसका इक्वेशन हो जाएगा x2 - x1 = 15 t। अब जो पहला पत्थर है वो क्या होता है कि 8 सेकंड के बाद नीचे आ जाता है, तो 8 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर कहाँ पर रहेगा, तो x2 - x1 पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा पत्थर कहाँ पर है, तो x2 - x1, तो वो होता है 15 × 8, तो वो होगा 120 मीटर पर। मतलब जब पहला पत्थर नीचे आ जाएगा दूसरा पत्थर क्या होगा 120 मीटर की हाइट पर होगा। अब पहले की रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी फाइंड करो, तो वो हो जाएगी v2 - v1, वो हो जाएगा 30 - 15, तो वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो अब हम क्या करते हैं x2 - x1 दूसरे पहले पत्थर की रिस्पेक्ट में दूसरे पत्थर का डिस्प्लेसमेंट हम अब देख रहे हैं, ठीक है। अब हम अभी पहले हमने दूसरे एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात नहीं की थी, अब हम क्या कर रहे हैं कि 8 सेकंड में पहला पत्थर नीचे आ जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पत्थर कहाँ पर है उसकी हम बात करते हैं, तो वो होता है x2 - x1। तो वो क्या होगा अगेन x2 - x1 मतलब वो एक डिस्टेंस ही दे रहा है, तो वो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं x0 + v0 v21 t + 1 / 2 a t² यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि v21 जो है तो वो हम क्या ले रहे हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इंडिविजुअल वेलोसिटी ली थी दोनों जगह, अब हम पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वो क्या होगा 200 x0 इनिशियल, तो वो ही होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या है v21 15 t + 1 / 2 a - 10 t², तो सिंपलीफाई करो तो क्या होगा 200 + 15 t - 5 t². तो ये क्या हो जाएगा 8 to 10 सेकंड के लिए आपका जो कर्व आ रहा है, ठीक है। ये देखो 8 सेकंड पर क्या हो रहा है कि पत्थर 120 मीटर की हाइट पर, उसके बाद सेकंड जो स्टोन है वो क्या होगा इस तरीके से कर्व मोशन करेगा, तो उसका जो इक्वेशन है वो x2 - x1 = 200 + 15 t - t² इस तरीके से मिलता है।